का हाल ही जो है ढोक यार जो तैयार आए देखो तो कैसा भोपाल मचाया है यार। एक बार फिर तो पहाड़ों दे विच बदल फटन दे नाल भारी तबाही मची है जिथे तीन पुल रुड़ गए ने। दरअसल इथे बदल फटन दे नाल नालियां दे विच हड़ आ गया ते हड़ां दा ए पानी जिहड़ा आ तीन पुलां नूं रोड़ के लै गया इथों तक के दुकानां ते घर भी इस पानी दे नाल वह गए ने। लोगों च हाहाकार मची है, लोगों नूं सुरक्षित थावां ते ले जाया गया है। तस्वीरां देखो किन्नियां खौफनाक ने कि बड़ी ही तेज़ रफ्तार दे नाल पानी ये रिहायशी इलाके दे विचों लंघ रहा है। पहाड़ों दे विच घर बने हुए ने ते नालियां दा पानी ओवरफ्लो हो के जिन्हां विच हड़ आया है बदल फटन दे कारण गलियां चों लंघ रहा है ते इत्थे घरां दे हेठों मिट्टी तक रोड़ के लै के जा रहा है, जिस करके कई दुकानां भी इस पानी दे नाल वह गईयां ने। ते वड्डी गल ये है कि तीन पुल इत्थे जिहड़े ने ओह ढह ढेरी हो गए ने, इस पानी दे नाल ही वह गए ने। कई सड़कां दा आपसी लिंक जिहड़ा है ओह टुट चुक्या है। तस्वीरां कुल्लू दियां ने, कुल्लू दे विच मणिकरण घाटी दे विच तबाही मची है जिथे तोश दी पहाड़ियां दे विच बदल फटिया है ते बदल फटन दे नाल तोश नाले दे विच हड़ आ गया। तीन पुल इस हड़ दे विच वह गए ने, दुकानां अते घर इस पानी दे नाल रुड़ गए ने। हालांकि इत्थे कोई जानी नुकसान नहीं होया, गनीमत रही है, पर इत्थे नुकसान घरां दा ते दुकानां दा जरूर होया है। पुल जड़े ने टुट चुके ने, जिस करके आवाजाई काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है क्योंकि इतने कई सड़कों का लिंक जड़ा आपस च टुट चुकया है जो इन्होंने पुलों के राही जुड़िया होया सी। वड्डी गल ये है कि इतने कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हाले तक सार लैण दे लई नहीं पहुंचा है। लोग अपना बचाव तो कर रहे ने, तस्वीर देखो कि किवें घरां दे अगों दी पानी होके निकल रहा है ते घरां दे अगे जो मिट्टी है उन्होंने रोड़ के लैके जा रहा है। कुछ घर जड़े ने बिल्कुल किनारे ते आ गए ने, आसे पासे की मिट्टी जड़ी है सड़कां दी गलियां दी पानी दे नाल ही वह गई है ते इत्थे घरां दे डिगण दा खतरा भी बढ़िया होया है। हालांकि नाले दे विच हड़ आउण कारण दुकानां दा ज़्यादा नुकसान होया इत्थे ते जिहड़े पुल ने ओह टुट चुके ने, पानी दे विच ही वह गए ने, जिन्हां दी मुरम्मत करन दे विच काफ़ी समां लग सकदा है। पिछले कल रात को 2:30 बजे तोश नाला में बादल फटा, बादल फटने की वजह से तोश नाला में के पानी का जल स्तर जो है बहुत बढ़ा, जिसके कारण चुन्नी लाल जी हमारे पूर्व उप प्रधान और अनिल कांत जी उनकी बिल्डिंग को नुकसान हुआ। चुन्नी लाल का एक लेंटर वाला मकान था, उसमें 2-3 दुकानें थी, वो बह के चली गई और अनिल कांत जी उनका होटल का नीचे का पोर्शन भी बह गया। और जो ब्रिज था तोश नाले पर जो तोश गांव को जोड़ता था वो भी चला गया, परंतु उसके आगे कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ तोश नाला में ही भारी बारिश हुई, बाकी मणिकरण घाटी में कोई बारिश नहीं हुई और यातायात सुचारू रूप से चल रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर।